हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज दिन में से, और अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है दिन के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हो गई हूँ रेडी। आज मैंने पहनी है साड़ी। आज है भजन कीर्तन पड़ोस में दीदी के यहाँ, तो मैं वहीं जा रही हूँ। हमारे गांव में जिनने भी फास्ट रखा है तो वो लोग सभी करा रहे हैं भजन कीर्तन। कोई दिन में करा रहा है, कोई रात में। तो आज पड़ोस में एक दीदी के यहाँ है भजन कीर्तन, उन्होंने नवरात्रि के फास्ट रखे हैं। तो सभी लोगों को बुलाया, गांव के सभी लोगों से बोला है आने के लिए। तो वहाँ शायद आ भी गए होंगे, ढोलक की आवाज़ तो आ रही, कीर्तन शायद स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो चलते हैं भजन कीर्तन में, आप लोग भी बने रहेगा ब्लॉग में। आप लोगों को दिखाऊंगी हमारी कीर्तन मंडली, बानूसी की कीर्तन मंडली, और नवरात्रि के भजन कीर्तन का आनंद लीजिएगा। तो चलते हैं, अभी भावना भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे करती हूँ वेट और चलते हैं फिर भजन कीर्तन में। गाइस, अब हम लोग जाने लग गए हैं दीदी लोग के यहाँ, पहुँचने वाले हैं। भावना भी आ गए हैं और साथ में आई है मानू। मानू हेलो कहते, बोल रही है, बाय कहते, बाय बाय बाय। हेलो गाइस, हेलो गाइस, अब कहेगी थोड़े दिन बाद हेलो गाइस ना। फिर पहुंच गए हम दीदी के घर। यहाँ दीदी के यहाँ है कीर्तन और सब लोग आ भी गए हैं। यहाँ हम हो गए लेट। ये दीदी के यहाँ है कीर्तन और यहाँ ऊपर देखिए ये भेरी का छत्ता, इतना बड़ा खिड़की में। तो चलते हैं अंदर, आगे से खेत भी सब अब जुट चुके हैं। मानी। तो चलते हैं अंदर। Thank you.
भजन कीर्तन हो गए हैं और यहाँ अब फोटो शूट चल रहा है। देखिए ये दीदी का व्रत है और तो कोई नहीं घर पे फिलहाल, यहाँ पर इस लाइन में व्रत वाले तो दीदी थक भी गए हैं। चाय वाले कौन कौन है, कौन देखा रहे? और दीदी की चाय भी आ गई है और इन्हें दीदी के घर में है नवरात्रि के भजन कीर्तन। दीदी का है व्रत, सबने बहुत सुंदर भजन कीर्तन किए, चाय बना के भी ला गए, चाय मिश्री भी है। फिर मिलते हैं आपसे, वो भी बढ़िया। कैसे लगे आपको भजन कीर्तन गाइस? अच्छा लगे है। अच्छा ये देखो फोन में कैसे घुसे हैं दीदी को, का तो ध्यान लगा रखी, ध्यान पूर्वक। तो काली साई पी के लिए ध्यान लगाओ, तो गए सब, सभी लोग पी रहे हैं चाय और आधे लोग तो घर चले भी गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये बड़ी मम्मी और ये बुआ बैठे हैं, इन्हीं के घर में है गाइस भजन कीर्तन। और ये है दीदी, इनकी इनकी बहुरानी है ये। और ये दीदी पड़ोस की दीदी है, ये सभी यहाँ पर है। ये बुआ जो आप ब्लॉग में दुकान में देखते ही हो गाइस, ये इनकी बड़ी ताई है। और यहाँ पर है दीदी सब पड़ोस की दीदियाँ, फोटो शूट भी चल रहा है भावना। और मानू को देखो गाइस, ये क्या कर रही है मानू, कहाँ आजा। तो सभी ने बहुत सुंदर भजन कीर्तन किए थे, बहुत आनंद आया नव दुर्गा माता के भजन कीर्तन में। नव दुर्गा माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। और मैं इनके नव दुर्गा मैया की मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। नवरात्रि में सभी लोगों ने, सभी नहीं थोड़े सदस्यों ने रखे हैं नवरात्रि में भजन, तो आप लोग कमेंट में नव दुर्गा माँ के लिए कुछ लिखिएगा गाइस। ये देखिए नव दुर्गा मैया की इन्होंने यहाँ पे कितनी सुंदर मूर्ति स्थापना की है, ये इनका मंदिर। ये देखिए मन नहीं ये देखे नव दुर्गा मैया की मूर्ति की स्थापना, इनका मंदिर है। वह सभी को लगाने लग गए टीका, हमारी छोटी सी कन्या सबको टीका लगा रही है। देखो बुआ को लगा दे, बुआ को लगा दे, बुआ को, बुआ है, बुआ बुआ को मानो बुआ को भी लगा दे, बुआ थोड़ा आगे आ रहा है। तो गाइस हम लोग जाने लग गए हैं अब घर, जन कीर्तन हो गए हैं। ये दीदी उधर को क्यों लगा रहे हैं मुंह, केन रे सारी चला थक गए। अरे और पीछे देखो सभी लोग आ गए हैं कीर्तन मंडली। बाय बानू, बाय। ये दीदी बाय।
बाय नहीं बोल रही है, बाय। तो चलते हैं अब घर। गाइस खाना पीना भी हो गया है हमारा, और आज का व्लॉग मैंने नवरात्रि के भजन कीर्तन का ही बनाया है। आप लोग को कैसा लगा? अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं आपसे नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड। स्वस्थ रहें, मस्त रहें हमेशा, सभी लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता दी।